जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। सलाह देने तो हजारों आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको उजाड़ के बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज की प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। प्रभु से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। जब होती है प्रभु से कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों की भी सर झुक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है ताकि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उसका शोक मत करो। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व व्यक्तियों के लक्षण है। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट समझता है निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं भर लेते हैं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान उत्तम है। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वो खुशियां भी देगा अपरंपार। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो केवल कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो किसी के सामने झुकने नहीं देगा। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझ कर मग्न हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अहंकार भी आवश्यक है, ये जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। अगर आपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हो तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शत्रु उठाना अनिवार्य हो जाता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ आप अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती।